जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव पूर्णिमा स्नान शुक्रवार को हुआ। मंदिर के भीतर ही करीब 300 लोगों की मौजूदगी में मनाए गए इस उत्सव के लिए अल सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया। स्नान मंडप में करीब 170 पुजारियों ने भगवान को 108 घड़ों से सुगंधित जल से स्नान कराया। शुक्रवार शाम तक भगवान गर्भगृह से बाहर ही रहेंगे, फिर 15 दिन के लिए वे क्वारंटाइन यानी एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान भगवान को औषधियां और हल्का भोग ही लगेगा। जब जगन्नाथ मंदिर में 23 जून को ही रथ यात्रा के लिए भगवान क्वारंटाइन से बाहर आएंगे, तब तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा पानी से स्नान के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एकांत में रखकर औषधियों का सेवन कराया जाता है। पूर्णिमा स्नान में शामिल होने वाले सभी 170 पुजारियों को भी 12 दिन पहले से कोरोना टेस्ट के बाद से होम क्वारंटाइन किया गया था। वे क्वारंटाइन से निकलकर सीधे मंदिर पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।